आज हम बनाएंगे मलाई मोहन थाल, एकदम सॉफ्ट और टेस्टी। इतना ज्यादा टेस्टी कि आप हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। ये 2 कप बेसन छान कर ले लिया है, वजन में 250 ग्राम। इसमें डाल रहे हैं हम 3 टेबल स्पून घी। देसी घी लिया है, मेल्ट कर लिया है, आप वेजिटेबल घी से भी बना सकते हैं। और 3 टेबल स्पून दूध, दूध बॉईल किया हुआ या कच्चा कैसा भी ले सकते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से बेसन में मिलाते हैं। इन्हें मिलाने के बाद थोड़ा सा दबा कर 10-15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, बेसन फूल जाएगा। 15 मिनट के बाद यह फूल गया है। अब इसे फिर से इस तरीके से मसल लेते हैं। दोनों हाथों से भी इस तरीके से कर सकते हैं कि इसके पूरे दाने दाने खिल जाए। इसके एक जैसे दाने बनाने के लिए इसे हम छानेंगे। ये चावल छानने वाली छलनी ले ली है, थोड़े से बड़े छेद होते हैं इसके, आटे छानने वाली छलनी में नहीं छानना है। ये जो मोटे मोटे दाने रह जाएंगे उन्हें इस तरीके से दबाकर निकाल देंगे। हाथ से इस तरीके से दबाएंगे तो वो अपने आप ही बारीक हो जाते हैं। बचा हुआ बेसन भी छान लेंगे। ये सारा बेसन हमने छलनी में से निकाल लिया और देखिए कितना बढ़िया रवा बन के तैयार हुआ है। एकदम मोटा मोटा दाना दिख रहा है। इसे भूनने के लिए हमने ये कढ़ाई ले ली और आधा कप घी लिया था। 3 टेबल स्पून घी हमने बेसन में मिलाया था। बाकी बचा हुआ घी कढ़ाई में डाल देते हैं। सिर्फ आधा कप घी यूज कर रहे हैं और इस घी में ये बेसन डाल देते हैं। फ्लेम ऑन कर दी, मीडियम फ्लेम पर बेसन को भूनेंगे। लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। इसे भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं और देखिए इसके कलर में थोड़ा भूरापन आ गया है, खुशबू निकलने लगी है इससे। अब इसमें डालेंगे 1 कप मलाई। घर में निकली हुई मलाई है और अब मलाई के साथ इस बेसन को भूनेंगे। 1 कप मलाई है, इसमें से आधा कप मावा बन जाएगा और आधा कप घी। फ्लेम हमने लो मीडियम रखी है, तेज फ्लेम पर नहीं भूनना है इसे। जो आप मलाई यूज कर रहे हैं वो ताजी फ्रेश होनी चाहिए। दूध में मलाई थोड़ी थोड़ी निकलती है, उसे इकट्ठा कैसे करें। आप फ्रीजर में एक डब्बा रख लीजिए और ये मलाई उसमें डालते जाइए, ढेर सारी मलाई इकट्ठी हो जाएगी। फ्रीजर में मलाई को रख कर 6 महीने तक यूज कर सकते हैं। जब भी आपको मलाई चाहिए फ्रीजर से डब्बा निकालिए, आधा घंटा रख लीजिए, ताजा मलाई यूज करने के लिए तैयार है। फ्रीजर में मलाई को 6 महीने तक रखकर यूज कर सकते हैं और फ्रिज में मलाई को 2 से 3 दिन तक रखकर यूज कर सकते हैं। अगर आप मोहन थाल बनाने के लिए मलाई नहीं यूज करना चाहते या आपके पास मलाई नहीं है, तो जो हमने 1 कप इसमें मलाई यूज की है उसकी जगह आधा कप मावा ले लीजिए और आधा कप घी ले लीजिए और बिल्कुल इसी तरीके से मोहन थाल बना लीजिए। मलाई डालने के बाद हमने इसे 10 मिनट और भून लिया, लेकिन अभी ये भुना नहीं है, लो मीडियम गैस पर भून रहे हैं। इसे धीमी गैस पर ही भूनना है, तेज फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भूनना। इसे अभी और ऐसे ही चलाते हुए भूनते हैं। 10 मिनट और भून लिया और इसका कलर देखिए कितना गोल्डन हो गया है। और ध्यान से देखेंगे तो कढ़ाई पर हल्की हल्की घी की बूंदें दिख रही हैं, यानी घी भी इससे अलग होने लगा है। टोटल इसे भूनने में 30 मिनट लग गए हैं। तो ये भूनकर तैयार है। फ्लेम बंद कर देती हूँ मैं और इसे थोड़ी देर तक गर्म कढ़ाई में चलाते रहते हैं। और इसकी खुशबू तो इतनी ज़्यादा किचन में फैल गई है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो कढ़ाई को गैस से उतार लेते हैं और गैस पर चाशनी बनने रख देते हैं। ये 1 कप चीनी और आधा कप पानी। फ्लेम ऑन। अब पहले चाशनी को चीनी घुलने तक कुक कर लेते हैं। चीनी पानी में घुल गई है, इसे 3-4 मिनट और कुक करेंगे फिर चेक करेंगे। हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। इसे 3 मिनट और कुक कर लिया, अब इसे चेक करते हैं। तो चाशनी को थोड़ा सा ठंडा कर ले और ऐसे देखनी है। तो देखिए इसमें से 1 तार
ये बनने लगा है, बस इस तरीके से चेक कर दीजिए। और थोड़ी कम ज़्यादा हो तो भी कोई डरने की बात नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चाशनी बन गई, अब इसे डालते हैं इस भुने हुए बेसन में, मिक्स करते हैं। चाशनी को बेसन में डालकर इस तरीके से पहले मिला लीजिए अच्छे तरीके से, इससे जो बेसन के दाने हैं वो फूल जाते हैं। अगर चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी बनी है तो इसे हमें गैस पर बिल्कुल भी कुक करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर थोड़ी सी पतली हो तो यहाँ देखकर पता लग जाता है, पतला पतला दिखाई देता है और लगता है कि ये नहीं जमेगा, फिर हम इसे गैस पर थोड़ा सा कुक कर लेते हैं और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। ये आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 8 इलायची को छील कर दरदरा कूट लिया है। ताज़ा ताज़ा इलायची का दरदरा पाउडर बनाकर डालें, उससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो आप पहले से पीस कर रख लेंगे वो पाउडर मिलाएंगे उतना मज़ा नहीं आएगा। और ये देखिए, मिलाते मिलाते ऐसा लग रहा है काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो चेक करने के लिए थोड़ा सा मिक्स चम्मच में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा करते हैं। इस तरीके से हाथों में लेके और इसको गोला बनाइए और देखिए एकदम अच्छा गोला बन रहा है, ये जम जाएगा। हमें इसे गैस पर कुक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मोहन थाल जमाने के लिए ट्रे ले ली, इस पर थोड़ा सा घी डाल के चारों तरफ लगा दिया। ये मिक्स इस ट्रे में डाल देते हैं। चम्मच के बैक में थोड़ा घी लगा लिया और अब इसे एक जैसा फैला देते हैं। इसे आप थोड़ा सा मोटा ही जमाएं। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, ये बादाम फ्लेक्स और ये थोड़ी सी पिस्ता कतरन। अब इसे चम्मच से इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये इसमें सेट हो जाए, और अब इसे जमने के लिए छोड़ देते हैं। मोहन थाल अच्छी तरह से जमकर तैयार है, इसे हमने ओवरनाइट रखकर ले लिया है। और अब इसे काट लेते हैं। पीसेज आप अपनी पसंद से छोटे बड़े जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। ये देखिए बड़ी आसानी से ये निकल आता है। मोहन थाल बनकर तैयार है, एकदम सॉफ्ट है, दानेदार है और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब है। जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो इसके टेस्ट को आप भूल नहीं पाएंगे, और इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसन को भूने तो ध्यान रहे फ्लेम लो मीडियम रखनी है, लगातार चलाते हुए भूनना है। कब तक भूनना है? जब तक कि इसका कलर अच्छा गोल्डन नहीं आ जाता, इससे अच्छी महक नहीं आने लगती। चाशनी बनाने के लिए चीनी और पानी नाप कर लीजिए, जितनी चीनी उसका आधा पानी। कंसिस्टेंसी आप खुद ही देख लेंगे, आप बहुत अच्छा मोहन थाल बनाकर तैयार करेंगे। मोहन थाल को बाहर ही रखकर 15-20 दिन तक खाया जा सकता है, तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।